सो गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू एजो फॉर टेक अरे हुआ क्या था कि गलत क्लास चालू हो गई जो मैंने मेन्स का जो आपका जो बैच ये जो आज जो कन्वेंशनल वाला था जो मैंने पोस्टपोन किया था वो वाली क्लास ओपन हो गई थी तो क्लास वहाँ चल रही थी यहाँ के बजाय तो वो बाद में पता चला कि अच्छा ये गड़बड़ है ठीक है ये गड़बड़ है चलिए खैर तो आप बड़े टाइम से वेट कर रहे थे कि सर हाईवे के क्वेश्चंस कब होंगे तो आपको मालूम है हाईवे इंपॉर्टेंट भी है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस सुपर एलिवेशन इस सब के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं ठीक है और ये हर एग्जाम के लिए केवल गेट के लिए नहीं चाहे एस हो गेट हो कोई भी दूसरा ए जेई का एग्जाम हो इंजन सर्विसेज हो सभी के लिए इक्वली अप्लीकेबल है ये नहीं कि गेट के क्वेश्चन तो केवल गेट में ही आता है बाकी जगह भी आता है ठीक है मेंस का टाइमिंग बढ़ा दो सर बेटा अभी रिजल्ट आने तो रिजल्ट तक ऐसे ही लेके चलते हैं दो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं बल्कि तीन ओपन चैनल फिलो हो गया है सॉइल हो गया है एनवायरमेंट हो गया है ठीक है बहुत जल्दी आर भी हो जाएगा ठीक है तब तक चीज़ें थोड़ा सा हो जाएंगी सर सब ठीक है हाँ अभी ठीक है फिलहाल अब सुबह को बच्चे के टेस्ट वगैरह जो होने हैं वो होंगे अभी फ़िलहाल आ गया है हॉस्पिटल से तो तो सुबह उसका सी टी स्कैन वगैरह वो सब होगा फिलहाल घर आ गया है वो उसी समय आए थे जब शाम में का क्लास का टाइम था आपका मेन्स का जस्ट उसी समय आए थे तो मैंने कहा ये लोग आए हैं उसको लेकर मैं क्लास लेने आ जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो इस वजह से फिर मुझे वो शाम वाली क्लास जो है वो कैंसिल करनी पड़ी और छः बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास थी नहीं तो मैं छः से कर देता उसको ठीक है इस वजह से तो फिलहाल अपन लोग स्टार्ट करते हैं तो आपका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िए आपका क्वेश्चन कह रहा है द कोफिशेंट ऑफ एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ अ रोड इज एफ आर ठीक है तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है जब कोई व्हीकल का टायर जब रोल करता है घूमता है तो उस समय जो व्हील पर जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन एंड इट्स ग्रेड इज प्लस जी परसेंट जिसको हम लोग एन से लिखते थे उसको यहाँ पर जी से लिख रखा है और कुछ नहीं इफ द ग्रेड ऑफ दिस रोड इज डबल्ड कह रहा है जो ग्रेडियंट है जो ढाल है उसको अगर डबल कर दिया जाए वॉट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस तो आपको मालूम है ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है ब्रेक लगाने पर गाड़ी जितनी ज्यादा दूर जाकर रुकेगी उसी को ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं ठीक है थेके? क्योंकि फ्रिक्शन जो वर्क डन करता है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर द डिजाइन व्हीकल टू कम टू स्टॉप मेजर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसको हमने क्या क्या है मेजर क्या है assume all other parameters are kept unchanged बाकी सारे पैरामीटर्स को हमने क्या किया है अनचेंजवाना है ठीक है तो ये ठीक है तो आंसर भी आ गया है सुधांशु जी का प्रकाश रंजन साहू कह रहे कितना साल होगा सर मतलब कितना साल होगा मतलब क्या कहना चाह रहे कितना साल होगा अभी उसके स्ट्रिप लगी थी ना वो निकल रहा होगा तो रो रहा है नीचे बहुत ज्यादा ठीक है चलिए तो पहले जरा थोड़ा सा मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूं आपके सामने क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया है ठीक है तो आगे क्वेश्चन मिलेगा वो पहले ही आपको समझा दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा इसको लगा दिया जाए डू नॉट डिस्टर्ब पर कहाँ गया भैया डू ठीक है मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है या कोई व्हील है ठीक है तो ये नीचे आ रहा है और मान लीजिए इस समय इसकी वेलोसिटी जो है वो वी है इसकी वेलोसिटी क्या है वी है या इसके भी पहले हम लोग क्या करते हैं अगर सपोज कीजिए आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पर एक ये व्हील है जो क्या कर रहा है वी वेलोसिटी से जा रहा है ठीक है और यहां का जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने मान लिया एफ अब हम जानते हैं एक थ्योरम होती है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहते हैं कि वर्क डन W इज टू डेल्टा के यानी के वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब याद रखिएगा दिस वर्क डन इज ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस प्रेजेंट ऑल दी फोर्सेस प्रेजेंट अब हमारे पास ये जो सिस्टम है तो मान लीजिए कुछ समय बाद या कुछ दूर बाद जाकर ये जो व्हील है वो रुक जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली तो इसकी इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगी अच्छा उसकी एज पूछना वो दो साल का है बच्चा केवल सिस्टर का बेटा है ठीक है चलिए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम बी स्क्वायर इनिशियली होगी जीरो हो गई ठीक है याद रखिएगा हम लोग चेंज लिख रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव की टर्म में लिखेंगे अदरवाइज हमें जीरो माइनस हाफ एम बी स्क्वायर करना था तो वर्क डन भी निगेटिव आता मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ तो मान लीजिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है ठीक है तो वैसे तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हैं म्यू एम जी लिखते हैं म्यू एम जी ये लिखा जाता है, बट हाईवे में क्या होता है इसको म्यू को हम लोग म्यू ना लिख कर एफ लिखते हैं तो एफ इन जी क्या हो जाता है फोर्स और मान लो पर जाकर रुक जाएगा, अब याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट है इधर और फोर्स लग रहा है इधर तो ये वर्गडन निगेटिव होता है ये वर्गडन कितना होता है निगेटिव होता है तो हमें इसे लिखना चाहिए था यहाँ पर निगेटिव और इसको लिखना चाहिए जीरो माइनस जीरो माइनस ऐसे करके हमको लिखना चाहिए था बट हम लोग लिख क्या देते हैं कि चलो इसको भी निगेटिव हटाओ इसका भी निगेटिव हटाओ और इस तरह से हमने लिख दिया ठीक है तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो M से एम कैंसिल हो जाएगा और L आ जाएगा हमारे पास क्या B स्क्वायर अपॉन टू जी एफ ये हमारे पास ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गई इतनी दूरी पर जाकर गाड़ी रुक जाएगी ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ठीक है ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ठीक अब है मान लीजिए अगर कुछ ग्रेडियंट होगा तब क्या होगा अगर कुछ ग्रेडियंट होगा तब क्या होगा अंशु जी अभी तो कुछ नहीं बताया उसने वो दौरा टाइप कुछ पड़ जाता है ना उसी वही सब बताया उसने बाकी कल को जब टेस्ट वगैरह होंगे तो ही प्रॉपरली बता पाएंगे है ना चलिए अब ध्यान दीजिएगा अब यहां परल है, है और ये मान लीजिए वी वेलोसिटी से नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा था अब इस समय हमें मालूम है इसका जो वेट होता है एम वो नीचे की ओर लगता है एंड दिस एंगल इज थीटा तो इधर क्या लगेगा हमारे पास एम जी साइन थीटा लगेगा और जो फ्रिक्शन होगा वो कहां लगेगा ऊपर की ओर लगेगा फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर की ओर लगेगा सही है अब आपको मालूम है जो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन आती है एन दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल कॉस थीटा, बिकॉज इसका इधर जो कॉम्पोनेंट आता है वो हो जाता है हमारे पास एम जी थीटा। बेसिकली इस एमजी को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया एक प्लेन के अलॉन्ग एम जी साइन थीटा और दूसरा प्लेन के नॉर्मल एम जी थीटा। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यू एन तो ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस्थीटा म्यू एम जी कॉस्थीटा ठीक है इस पर कई सारे क्वेश्चन हूं बाद में भी आए ठीक है ताकि आपको यह भी मालूम रहे कि चल रहा है अलोंग प्लेन तो अलोंग दी प्लेन डिस्टेंस क्यों नहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों ठीक है ये हो गया तो अब देखिएगा यहां पर मान लीजिए ये यहां पर यहां जाकर ये यह ऑब्जेक्ट जो है वो रुकता है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए एल मान लेते हैं ठीक है या और छोड़िए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इसको बिल्कुल बॉटम पर ले आते हैं यहां तक तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगी दिस डिस्टेंस विल बी एल कॉस थीटा एंड ये डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी आपके पास एल साइन थीटा ठीक है भैया तो याद रखिएगा अगर इनक्लाइन प्लेन के अलोंग डिस्टेंस एल है तो जो horizontal के होगी वो होगी होगी अब ध्यान दीजिए इसकी initial kinetic energy क्या थी वो थी हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर प्लस यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी रहेगी आपके पास कि एम जी एल साइन थीटा और फ्रिक्शन ने वर्क कितना क्या होगा तो वो क्या होगा एफ एम जी कॉस थीटा और इन टू एल ये इक्वेशन बताइए जल्दी से कितने स्टूडेंट्स को समझ में आती है ये स्टूडेंट कितनों को समझ में आती है कि यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम बी स्क्वायर होगी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हो, वो होती है हाफ एम जी एच ठीक है अब इस एल का इधर प्रोजेक्शन अगर एल कॉस थीटा होगा तो ये एल साइन थीटा होगा

अब आपको मालूम है यहाँ से एम 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 सब में से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉइंट टू इज इक्वल्स टू एम सब में से खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी एल ठीक है तो ये हो जाएगा एफ इंटू जी कॉस थीटा इंटू एल माइनस जी एल साइन थीटा माइनस जी एल साइन थीटा अब यहां से हो जाएगा v2 2 हम लोग यहां से क्या करते हैं lg cos थीटा को कॉमन लेते हैं जब हम लोग lg cos थीटा को कॉमन लेंगे जब हम लोग lg cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहां से g आ गया cos थीटा आ गया l आ गया यहां से बचा f माइनस यहां से क्या हो गया देखो g गया l गया और cos थीटा यहां है नहीं तो sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा tan थीटा तो यहां से ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो एल कॉस्थीटा आ जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू एफ माइनस टेन थीटा ठीक है भाई तो डाउनवर्ड अगर आ रहा है तो ये क्या हो गया वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ माइनस टेन थीटा नाउ व्हाट इज दिस एल थीटा दिस एल थीटा इज़ हॉरिजोंटल ब्रेकिंग डिस्टेंस हॉरिजोंटल ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप स्लोप डाउन मतलब व्हीकल स्लोप तो वही रहेगा लेकिन व्हीकल नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड के लिए बोल दिया ठीक है ये हाईवे इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा है भैया गेट के लिए कॉमरेड ठीक है आ गया समझ समझ में सभी को इसी इसी तरह से सिमिलरली सिमिलरली फॉर अपवर्ड मूवमेंट या फॉर अपवर्ड स्लोप अपवर्ड में क्या हो जाएगा अब फ्रिक्शन नीचे की ओर लगने लगेगा तो यहां पर एफ प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा एफ प्लस हो जाएगा तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एल कॉस्टा इजिकल्स टू वी प्लस टेन थीटा नाउ ये टेन थीटा क्या है इस बात को समझिएगा तो हमारे पास यहां पर फॉर्मूला बन गया प्लस माइनस ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस ले लेंगे नीचे की ओर आएंगे तो माइनस ले लेंगे और याद करना आसान है क्योंकि ऊपर जाएंगे तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए इसलिए प्लस लेते हैं अब ध्यान दीजिएगा व्हाट इज टेन थीटा तो मान लेते हैं अगर ये एन है और ये हंड्रेड है एंड दिस एंगल इज थीटा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा एन बाई हंड्रेड यानी कि ये क्या हो जाएगा ग्रेडियंट हो जाएगा परसेंटेज में ठीक है हाँ ये क्लास प्रैक्टिस के लिए है बालक तो सेम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर थीटा की जगह यहां पर हो जाएगा एन टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा एन हो जाएगा ठीक है तो एल कॉसिटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉइंट टू जी एफ प्लस माइनस एन और यहीं पर इसी को उसने बोल दिया है एल कॉस थीटा इजिकल्स टू स्क्वायर टू जी यहां पर लिख देंगे हम लोग प्लस माइनस एन बाई हंड्रेड परसेंटेज में लेना है तो और इसी को उसने बोल दिया क्या है कैपिटल जी ग्रेडियंट को लिख दिया है कैपिटल जी ये समझ में आ गया इस पर आगे कई सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि दिस डिस्टेंस इज हॉरिजोंटल डिस्टेंस ठीक है ये डिस्टेंस क्या है हॉरिजोंटल डिस्टेंस है बट बट फॉर स्मॉल थीटा फॉर अ स्मॉल थीटा cos थीटा क्या होता है एप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 1 होता है इसीलिए हम समटाइम्स इसीलिए हम लोग समटाइम्स क्या कर देते हैं यहाँ से cos थीटा हटा देते हैं और केवल l लिखा छोड़ देते हैं l लिखा छोड़ देते हैं और ये फार्मूला हो जाता है f प्लस माइनस n लेकिन याद रखिएगा n यहाँ पर क्या है परसेंटेज में या n की जो वैल्यू होगी वो आप लिख लेंगे ठीक है n ही रहने दो ठीक है एन अगर परसेंटेज में है तो 100 से डिवाइड करके लिखेंगे, बोला था वेलोसिटी से मूव कर रहा है ठीक है तो यहां पर अगर कुछ फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा एनर्जी में चेंज आएगा अब यहां पर मैंने बोला था डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस तो या तो आप एमजी की वजह से डन निकालो या उसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फिर हमने निकाला इनक्लाइन प्लेन है तो जो वेट होगा उसके दो कॉम्पोनेंट होंगे एम जी साइन थीटा अलॉन्ग दी प्लेन जिसकी वजह से नीचे खिसकेगा एम जी थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्शन के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर को ठीक है एन बराबर एम जी कॉसिटा फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होता है म्यू एम जी आ गया फिर मैंने बोला अगर ये डिस्टेंस एल है तो ये डिस्टेंस एल बाई थीटा होगी तो एक्चुअल ब्रेकिंग डिस्टेंस एल है L cos है और ये L sin हो जाएगी। हमने कहा यहाँ पर इसकी एनर्जी तो सारी एनर्जी हो गई खत्म हो गई यहां से हमने इसको सॉल्व किया ठीक है और सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आ गया एल थीटा हॉरिजेंटल डिस्टेंस ठीक है हाँ अगर एफिशिएंसी भी दी हो तो हम लोग क्या कर देंगे उसको अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी है तो फाइनली आप क्या कर देंगे यहां पर जो एफ है उसमें ब्रेकिंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब ब्रेक घिस गए टायर घिस गए ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रहे तो उसका मतलब है कि अगर ब्रेकिंग एफिशिएंसी 50 परसेंट है तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रहेगा 50 परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ये आपको समझ में आ गया ठीक है अब इस पर कई सारे क्वेश्चन हैं तो फटाफट हम पुलिस क्वेश्चन पर आते हैं तो सवाल ये कह रहा है कि द कोफिशियंट ऑफ एवरेज रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ अ रोड इज एफ आर एंड इट्स ग्रेडियंट इज प्लस जी दी ग्रेड ऑफ दिस रोड इज डबल जी को आपने क्या कर दिया डबल कर दिया वट विसेंटेज चेंज इन दी ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा ठीक है तो अभी हमने लिखा है एल इज इक्वल्स टू या चलो अब तो मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूं अब तो सब आपको आएगा ठीक है तो जल्दी फटाफट यहां पर देख लीजिएगा सारा बैकग्राउंड मैंने आपको इसका बता दिया तो ब्रेकिंग डिस्टेंस केस वन में कितनी रहेगी वी स्क्वायर अपऑन टू जी

पहले वाले में से क्या कर देंगे दूसरे वाले को माइनस कर देंगे क्या कर देंगे दूसरे वाले को माइनस कर देंगे और इनिशियल से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इनिशियल से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा आंसर आपके पास आ जाएगा ठीक है एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का और थोड़ा जल्दी में आपको करना करना हो इस सवाल को तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस एल इक्वल्स टू क्या है वी स्क्वायर अपऑन टू जी और एफ प्लस माइनस जी लिख देता हूं मैं चलो परसेंटेज में है तो छोड़ो जीरो पॉइंट जीरो वन जी ही लिख देते हैं अब अपवर्ड है तो हम प्लस साइन लेंगे तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन जी ऐसा लिख सकते हैं तो एल वन अपॉन एल टू क्या हो जाएगा एल वन अपॉन एल टू आपके पास हो जाएगा एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू जी अपॉन एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन जी यही हो जाएगा भैया अब याद देखिएगा पहले ग्रेडियंट कम था तो पहले डिस्टेंस ज्यादा होती पहले डिस्टेंस ज्यादा होती ठीक है अब हमें इसको ऐसा करना है हमें अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं दोनों साइड वन से माइनस कर माइनस वन करता हूं माइनस वन करता हूं तो समस्या यह आएगी कि हमें अपॉन में एल वन चाहिए यहां पर अपॉन में एल टू आएगा तो हम इसको ऐसा कर देते हैं कि एल वन अपॉन एल टू ही लिखते हैं या एल टू अपॉन एल वन लिखते हैं देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं यहां यहां पर L2 अपॉन अपॉन लिखना तो हो जाएगा रहेगा अब दोनों साइड को क्या कर दो वन में से माइनस कर दो दोनों साइड को क्या कर दो वन में से माइनस कर दो क्लास टेंथ में हम लोग इस तरह से काफी क्वेश्चन प्रूफ करने वाले करते थे ठीक है भाई तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा आपका लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा एल वन माइनस एल टू अपॉन एल वन इजिकल्स टू अपॉन में क्या रहेगा एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो गड़बड़ कर दिया हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो अगर ऊपर एल टू लिखेंगे अब भी तो गड़बड़ आ रहा है हाँ, उल्टा लिखते दे, वही देख रहे हैं एल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन जी के सही तो लिखा था हाँ ये हो जाएगा है ना जीरो पॉइंट इनवर्स है ना ये हो जाएगा ठीक है

इस तरह से कर पाए लेकिन अगर पहले से हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर रखी है अगर पहले हमने इस तरह से कैलकुलेशन कर रखी तो एग्जाम में शायद हो जाए जल्दी से ठीक है चलिए अगला सवाल तो दोनों तरीके से बता दिया जैसे आपको दिमाग में स्ट्राइक करे एग्जाम में वैसे कर लेना अगला सवाल अब vehicle is moving on a road of great +4% ऊपर की ओर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड कंसीडर दी कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एज जीरो पॉइंट फोर सिक्स तो आपको ग्रेडियंट दे रखा है प्लस का फोर परसेंट और स्पीड दे रखी है आपको ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एफ दे रखा है जीरो पॉइंट फोर सिक्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दे रखा है आपको टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंग ब्रेक्स टू रीच आ स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और बाद में आपको वेलोसिटी दे रखी है टेन मीटर पर सेकेंड दिद रिक्वायर्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर अलॉन्ग दी हॉरिजल तो ये भी क्या पूछिए अलोंग दी हॉरिजेंटल पूछिए मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में यही समझा देता हूं प्लेन है यहां पर कोई व्हीकल जो है वो आपका 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा था और जब ये यहां पहुंचा तो इसकी जो स्पीड है वो टेन मीटर पर सेकेंड हो गए तो एक तो हमने यहां पर ब्रेक लगाए हैं तो ब्रेक की वजह से भी गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी और ऊपर गाड़ी क्या है चढ़ाई पर है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा तो कह रहा है यहां से, यहां से तक जब ये जाएगा तो यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछिए यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछिए तो अगर ये डिस्टेंस एल होगी तो ये डिस्टेंस बेसिकली अगेन क्या होगी एल कॉस्थिटा आपसे पूछा हुआ है ठीक है पूछा हुआ है ठीक है है आपके कमेंट्स लग रहा है मुझे थोड़ा सा स्लो आ रहा है मेरे पास पता नहीं क्यों ठीक है जल्दी से कीजिए भैया इस क्वेश्चन को सवाल समझ में आ गया आपको सारा डेटा आपका यहां पर ये यह लिखा पड़ा है जल्दी से इस क्वेश्चन को आप कर दीजिए ठीक है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को थर्टी मीटर इज दी गुड थर्टी मीटर आंसर आ गया सभी का आपका ठीक है थर्टी मीटर आ गया आपका सभी का आंसर तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे पुराने वाले क्वेश्चन ही करेंगे तो अभी हमने एल इज क्या लिखा था देखिए अभी हमने लिखा था एल कॉस्थीटा इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉइंट टू जी एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन जी यही तो लिखा था अब यहां पर बेसिकली था क्या ये समझिएगा बी स्क्वायर इजिकल्स टू वी स्क्वायर इजिकल्स टू हमारे पास था ये टू जी एल कॉस्टा इंटू एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन जी ये हमारे पास इक्वेशन थी एक्चुअल में टू जी एल कॉस्टा इंटू दिस इजिकल टू वी स्क्वायर जब मैंने डेरिवेशन किया था आप समझिएगा मैंने डेरिवेशन क्यों आपको करवाया था जब मैंने डेरिवेशन किया था तो मैंने ये बोला था कि हम दोनों साइड का निगेजिव निगेटिव पॉजिटिव बैलेंस कर रहे हैं तो अगर मैं यहां पर लेफ्ट साइड में अगर मैं लेफ्ट साइड में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करता हूं तो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आएगी निगेटिव आएगी तो मुझे राइट right साइड में भी क्या लगाना पड़ेगा निगेटिव लगाना पड़ेगा याद आ रहा है जब मैं ये डेरिवेशन कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि फाइनल एनर्जी जीरो है इनिशियल वेलोसिटी हाफ एमबी स्क्वायर है तो मुझे यहां पर जीरो लगाना पड़ेगा ताकि निगेटिव से निगेटिव खत्म या फिर मैंने ये क्या किया था कि इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया था और राइट साइड में पॉजिटिव लिया था तो सेम चीज हम लोग यहां पर करेंगे यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं तो राइट साइड में मुझे क्या लगाना पड़ेगा निगेटिव लगाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा निगेटिव लगाना पड़ेगा ठीक है या तो आप ऐसे करें या फिर या फिर आप ऐसे करेंगे माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू टू जी एल थीटा और इन टू एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो आपको उचित लगे वैसे बट ऊपर वाला तरीका जो है वो ज्यादा सही है अब आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी कितनी है टेन तो टेन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस का टू इन टू जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है टेन दे रखी है एल थीटा हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी है एल थीटा को एज इट इज रखिएगा और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमको दे रखा है जीरो पॉइंट फोर सिक्स और प्लस कितना दे रखा है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन चार परसेंट यानी कि जीरो पॉइंट जीरो फोर और याद रखिएगा हमसे हॉरिजेंटल ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा है यानी कि हमें एल थीटा की वैल्यू निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है एल कॉस्ट थीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे आपका कितना आएगा थर्टी मीटर आएगा अविनाश तिवारी कह रहे हैं सर वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एफ बिल्कुल सही बात है देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस बट जब आप टू ए एस लगाओगे तो आप एक्सिलरेशन क्या रखोगे तो हमें फिर दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा समझ रहे हैं आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको ये क्लियर हो कि जो एक्सीलरेशन है एक्सिलरेशन के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे माइनस का जी इन टू एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन जी ठीक है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो ये लिया जाएगा तभी तो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं बट हमने क्योंकि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज ही नहीं किए हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज ही नहीं किए हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे हैं इसलिए मैं यहां से ऐसे बता रहा हूँ यहां से ऐसे बता रहा हूं जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं ठीक है भाई तो इस तरह से करेंगे तो फिर आपको एक्सलरेशन की वैल्यू ये मालूम होनी चाहिए कि माइनस का जी एफ प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन जी रखेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा ठीक है याद रख दीजिएगा आपके पास आ जाएगा और एक बात और यहां से जो इक्वेशन होती है एस ठीक है इसमें ये होता है डिस्प्लेसमेंट तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग प्लेन है ठीक है अलॉन्ग द्लेन है आंसर आपका ठीक आएगा क्योंकि तो यहां पर रखकर भी सेम इक्वेशन बनने वाली है ठीक है सेम इक्वेशन बनने वाली है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि जो बुक में सॉल्व किया है वो जैसे आप कह रहे हैं बुक में उसी तरीके से सॉल्व किया है बुक में उसी तरीके से सॉल्व किया है जैसे आप बता रहे हैं ठीक है बट मैंने जिस तरीके से बताया मैं उस तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं क्वेश्चन इज टू बी लेड एट अ ग्रेडियंट ऑफ फोर पॉइंट फाइव परसेंट हमें ग्रेडियंट दे रखा है फोर पॉइंट फाइव परसेंट का हॉरिजेंटल कर्व ऑफ रेडियस हंड्रेड मीटर इज लेड एट अशन ऑन दिस रोड आपको रेडियस दे रखी है हंड्रेड मीटर की ग्रेडियंट नीड्स टू बीज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कर्ड हॉर्जोंटल एंड वर्टिकल प्रोफाइल्स ऑफ दी रोड तो क्या कर रहा है ऊपर की तरफ ग्रेडियंट भी है और हॉरिजेंटली मूव भी कर रहा है इस वजह से क्या करना पड़ेगा ग्रेडियंट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ईज करना पड़ेगा ठीक है एज पर आई आर सी दी ग्रेडियंट इन परसेंटेज राउंड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस तो आपसे कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट पूछा है आंसर भी आ गया वेरी गुड तो होता है क्या है देखिए जब कोई स्ट्रेट रोड होती है जब कोई स्टेट रोड होती है और ये हमारे पास कोई व्हीकल है जो सीधे जा रहा है तो यहां पर क्या होता है ट्रैक्टिव फोर्स होता है क्या होता है ट्रैक्टिव फोर्स और इसको हम लोग लिखते हैं टी से टी से अब याद रखिएगा गाड़ी के जो फ्रंट व्हील होते हैं जो फ्रंट व्हील होते हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और जो रियर व्हील होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं पावर वो पावर प्रोवाइड करते हैं तो अभी जो गाड़ी है वो क्योंकि सीधे जा रही है तो जो 100 परसेंट ट्रैक्टिव फोर्स टी होता है वो गाड़ी को खींचने के काम आता है लेकिन सपोज कीजिए यहां पर जो रोड है वो कर्व्ड है रोड जो है वो कर्व्ड है अब यहां पर गाड़ी यहां पर तो आपकी क्या जा रही थी सीधे जा रही थी लेकिन जब यहां जाएगी तो क्या होगा इसके जो फ्रंट व्हील होंगे वो इस तरह से टेढ़े हो जाएंगे लेकिन जो रियर व्हील है वो अभी भी क्या रहेंगे सीधी डायरेक्शन में ही रहेंगे ठीक है क्योंकि अब पिछले पहिए गाड़ी को धक्का दे रहे हैं तो जो ट्रैक्टिव फोर्स होगा टी वो इस डायरेक्शन में होगा लेकिन गाड़ी को लेकर जाना है हमें इस डायरेक्शन में एंड इफ दिस एंगल इज एल्फा दिस एंगल इज एल्फा तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी जानी है उधर अट्रैक्टिव फोर्स का कितना कॉम्पोनेंट आएगा तो टी कॉस एल्फा तो हॉरिजॉन्टल कर पर क्या हो रहा है गाड़ी अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर पा रही है तो जो व्हीकल है वो अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर पा रहा है उसका जो ट्रेक्टिव पावर है उसमें क्या हो जा रही है कुछ कमी हो जा रही है और जो ग्रेडियंट था वो तो था ही ठीक है तो ग्रेडियंट जो है ऊपर भी चढ़ना है एक तो वहां ज्यादा पावर वैसी चाहिए थी और जब हॉरिजेंटल आ गया तो पावर ऑलरेडी कम हो गई तो हम क्या करेंगे अब ये तो मजबूरी है गाड़ी को यहां पर मोड़ना है तो ये तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते तो हम कुछ कर नहीं सकते तो यहां पर क्या कर देंगे कि जो स्लोप है तो यहां पर अगर ये पहले एंगल थीटा था ढाल पहले ज्यादा था तो अब हम लोग क्या कर देंगे ढाल को थोड़ा सा कम कर देंगे ढाल को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे कम कर देंगे तो पहले थीटा था अब हमने मान लो इसे एल्फा कर दिया पहले कितना था थीटा था। टोटल एंगल तो ग्रेड कॉम्पनसेशन ये होता है दिस इज ग्रेड कॉम्पेंसेशन कि आप कितना ढाल कम कर दे रहे हो ठीक है कितना ढाल कम कर दियो दिस इज ग्रेड कॉम्पनसेशन तो हमने क्या कर दिया इतना ग्रेड कम कर दिया पहले मान लो फाइव परसेंट था परसेंट कम कर दिया तो कितना रह चार परसेंट रह गया ये होता है ग्रेड का मतलब अब आईआरसी ये कहता है कि कॉम्पनसेटेड ग्रेड एल्फा जो है ठीक है इट शुड नॉट बी लेस देन फोर परसेंट मतलब चार परसेंट तक ही आपको ग्रेड को कॉम्पनसेट करने की जरूरत है चार परसेंट से नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है चार परसेंट तक वो क्या है कंफर्टेबल है चार परसेंट से ऊपर ही दिक्कत है चार परसेंट से नीचे ले जाने की दिक्कत नहीं है क्योंकि चार परसेंट से अगर आप नीचे ले गए तो फिर रोड की लेंथ बढ़ जाएगी रोड की क्या हो जाएगी लेंथ बढ़ जाएगी ठीक है तो देखो यार न्यूमेरिकल करना अपनी जगह पर है मुझे पता है आपको फॉर्मूले आते हैं आप फटाफट कर दोगे बट जैसा बैच का नाम है सी टी क्यू कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड भी जानकर चले तो बेटर होता है अब यहाँ से आपको दो तीन बातें समझ में आएंगी कर्व पर ग्रेड को कॉम्पनसेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है ग्रेड कॉम्पनशेशन बेसिकली होता क्या है तो ये जो हम ढाल को कम कर रहे हैं दिस इज ग्रेड कॉम्पनशेशन एंड व्हाट इज कॉम्पनसेटेड ग्रेड तो कॉम्पनशेशन के बाद में जो ग्रेड बचा तो ये जो अल्फा है दिस इज कॉम्पनसेटेड ग्रेड ठीक है तो ये जो अल्फा है दिस इज कॉम्पनसेटेड ग्रेड तो ग्रेड कॉम्पनसेशन ये वाला एंगल है और जो कॉम्पनसेटेड ग्रेड है वो नीचे वाला एंगल है क्लियर हो गया अब सोल्यूशन आप फटाफट देख लिए आईआरसी की रिकमेंडेशन क्या है आईआरसी ये कहता है एज पर आईआरसी आर सी इन कॉम्पनसेशन ग्रेडिएंट इज थर्टी प्लस आर अपॉन आर ठीक है थर्टी प्लस आर अपॉन आर बट इट शुड नॉट बी मोर देन रेडियस आपको मीटर दे रखी है तो हमने निकाला ग्रेडियंट में वो आया थर्टी प्लस आर की वैल्यू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड यानी कि वन पॉइंट थ्री परसेंट लेकिन एट द सेम टाइम दिस वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तो यहां पर अब दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं पहला तो ये हो गया कि आपका जो ग्रेड कॉम्पनसेशन आया वो 1.3 परसेंट आया बट ये कह रहा है कि 0.75 परसेंट से ज्यादा आप ग्रेड कॉम्पनसेट कर नहीं सकते तो आप कितना करोगे 0.75 परसेंट आप क्या कर दोगे कॉम्पनसेट कर दोगे तो कॉम्पनसेटेड ग्रेडिएंट जब आप निकालेंगे तो 4.5 था उसमें कितने की कमी करेंगे आप पॉइंट की तो कितना हो गया ये थ्री आ गया आपका कॉम्पनसेटेड ग्रेडेंट बट आईआरसी कहता है कि मिनिमम आपको चार परसेंट तो रखनी है चार परसेंट से नीचे आप नहीं जाएंगे इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव ना लेकर कितना लेंगे आप चार परसेंट लेंगे कितना लेंगे फोर परसेंट लेंगे ठीक है भैया जल्दी बताइए इसमें किसी को कोई समस्या हो तो कोई समस्या हो तो और अगर समस्या नहीं है तो फटाफट -फट ये क्वेश्चन कर डालिए और अगर समस्या नहीं है तो फटाफट -फट ये क्वेश्चन कर डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल अलाइनिंग हिल रोड विद रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ सिक्स परसेंट तो रूलिंग ग्रेडियंट यानी कि जी आपको दे रखा है सिक्स ऑफ रेडियस फिफ्टी मीटर इज एनकाउंटर्ड द ग्रेड कॉम्पनसेशन इन परसेंटेज अप टू अपू डेसिमल प्लेसेस टू बी प्रोवाइडेड इन दिस केस आपसे कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट नहीं पूछा यहां पर केवल ग्रेड कॉम्पनसेशन पूछा है केवल ग्रेड आपसे पूछा है, ठीक है यह आईएस मास्टर की है यह बुक जो है वो आईएस मास्टर की है मैं ज्यादातर आईएस मास्टर के सोल्यूशन को ही प्रेफर करता हूं ठीक है तो कुछ कह रहे हैं वन पॉइंट फाइव परसेंट कुछ कह रहे हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट चलिए देख लेते हैं तो रेडियस फिफ्टी मीटर दे देखिए ग्रेड कॉम्पन क्या है थर्टी प्लस आर अपॉन आर दैट इज थर्टी प्लस फिफ्टी अपॉन फिफ्टी एट्टी अपॉन फिफ्टी करेंगे तो वन पॉइंट सिक्स आ जाएगा और जब आप मैक्सिमम कितना होता है 75 अपॉन आर इससे ज्यादा नहीं कर सकते तो सेवन अपॉन फिफ्टी क्या वन पॉइंट फाइव आ गया ठीक है तो आ रहा था 1.6 लेकिन 1.5 से ज्यादा हो नहीं सकता इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो 1.5 आएगा तो इसका जो आंसर आपने देना है वो 1.5 देना है लेकिन 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 पहले चेक कर लो कॉम्पेंसेटेड ग्रेडियंट कितना होना चाहिए 6 1.5 यानी कि 4.5 जो कि क्या है चार से ज्यादा है जो कि 4 से ज्यादा है हेंस ओके okay. तो यहां पर ग्रेट कंपनसेशन आपका 1.5 हो गया जो कि जो कि ठीक है जो कि ठीक है मान लो सपोज करो अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन में पूछे ग्रेड कॉम्पनसेशन पिछले वाले क्वेश्चन में पूछे ग्रेड कॉम्पनसेशन यहां पर कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट पूछा था अगर मैं पिछले क्वेश्चन में आपसे कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट ना पूछकर यहां पर अगर मैं ग्रेड कॉम्पनसेशन पूछता तो आंसर क्या होता ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्या होता आपका 1.3 परसेंट होता 0.75 परसेंट होता या कुछ और होता अच्छा तनिष्का जी कह रहे हैं अरे सर नेट सिलोता हम पहले वाले क्वेश्चन में बता देते ओके हां जी ग्रेड कॉम्पेंसेशन पिछले वाले क्वेश्चन में कितना होता जीरो परसेंट जीरो परसेंट ग्रेड कॉम्पनसेशन जीरो परसेंट क्यों बता रहे हो आप? जीरो पॉइंट फाइव परसेंट आपने ग्रेड कॉम्पनसेट किया है चार परसेंट फोर पॉइंट फाइव परसेंट था ना और आप रख कितने रहे हो चार परसेंट रख रहे हो आप तो आपने कितना परसेंट कॉम्पेंसेट किया आपने कैलकुलेट किया वन पॉइंट थ्री परसेंट वो भी नहीं दिया आपने कैलकुलेट किया जीरो पॉइंट वो भी नहीं दिया आपने एक्चुअल में आपनेट कितना ये दोनों सवाल आगे पीछे हो गए तो एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ गया अदरवाइज पता चला अगर इस वाले सवाल में आपसे ग्रेड कॉम्पन पूछा होता बेटा तो एग्जाम में बहुत से बच्चे जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आ जाते क्यों वो यहां से निकालते और वो यहां से चेक करते और इस पर टिक कराते जबकि ना आंसर ये होता और ना आंसर ये होता इसी सवाल में इस सवाल में आंसर होता पॉइंट फाइव परसेंट आप पॉइंट फाइव परसेंट का ही ग्रेड कॉम्पनसेट करोगे क्योंकि आप साढ़े चार पर हो और आपको चार पर जाना है ठीक है यहाँ पर क्योंकि इस वाले सवाल में क्योंकि ये चार परसेंट से ज्यादा आ रहा था इसलिए आपने वन पर टिक कर दिया ठीक है वन पर टिक कर दिया सही है कोई समस्या किसी को आगे बढ़े ठीक है अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीटेड है एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन गेट 2007 में भी पूछा है ठीक है वाइल डिजाइनिंग हिल लोड विद रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ सिक्स परसेंट इफ अ शार्प हॉरिजेंटल फिफ्टी मीटर रेडियस इज एनकाउंटर्ड दी कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट एट दी कर्व एज पर इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसिफिकेशन शुड बी तो सवाल सारा डेटा वही है सारा डेटा वही है बस इस सवाल में क्या पूछा था ग्रेड कॉम्पनशेशन पूछा था और इस वाले सवाल में क्या पूछ लिया कॉम्पनसेटेड ग्रेडियंट पूछ लिया ठीक है करो फटाफट इसको भी ठीक है इसको भी कीजिए तो सारा डेटा वही है ना 6 परसेंट है और रेडियस आपकी क्या है फाइव परसेंट है तो सिक्स माइनस वन पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव है तो आना चाहिए था फोर पॉइंट फाइव बट फोर पॉइंट फाइव ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या रखेंगे फोर पॉइंट फोर रखेंगे तो फोर पॉइंट फोर रखेंगे नहीं चंद प्रताप बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट पर मैं चाहता तो एक कॉन्सेप्ट पर एक ही क्वेश्चन करवा देता लेकिन दो दो क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट करेंगे चिंता मत करो हाँ तो याद रखिएगा ग्रेट कॉम्पनशिशन क्योंकि साढ़े चार परसेंट नहीं है ठीक है तो आप आंसर क्या कर देंगे फोर थोड़ा सा कम ही रखेंगे आप हायर साइड में नहीं जाएंगे कम वाली साइड में जाएंगे ठीक है कम वाली साइड में जाएंगे तो आप आंसर फोर पे टिक कर देंगे जी मैंने पहली मूवी कॉलेज में देखी थी अपने सीनियर्स के साथ गुरु ठीक है गुरु मूवी आई थी वो ठीक है अभिषेक बच्चन अम्बानी की लाइफ पर जी थी तो उसमें एक डायलॉग था कि जब लोग जलने लगे तो समझो तरक्की कर रहे हो ठीक है जब लोग जलने लगे तो समझो तरक्की कर रहे हो तो वही है इन लोगों का आए डिसलाइक करें उल्टे सीधे कमेंट करें तो मतलब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रोड इज बी डिजाइन फॉर स्पीड ऑफ हंड्रेड टेन किलोमीटर ठीक है तो जो डिजाइन स्पीड है वो आपके पास है किलोमीटर पर आवर एंड कर्व विद सुपर एलिवेशन ऑफ एट परसेंट सुपर एलिवेशन आपको एट परसेंट दे रखा है हालांकि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम लोग सेवन परसेंट लेते हैं बट यहां पर एट परसेंट दे रखा है तो मानकर चलेंगे कोफिशियंट ऑफ साइड फ्रिक्शन लेटल फ्रिक्शन आपको दे रखा है आपसे तो आप आर मिनिमम पूछा हुआ है आपसे आर मिनिमम पूछा हुआ है कि भाई आर मिनिमम की वैल्यू आप बताइए ठीक है आर मिनिमम की वैल्यू आप बताइए बताइए जल्दी से ठीक है जल्दी से बताइए तो आंसर आ रहा है आपका फाइव एट्टी एट ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो देख लीजिए भैया तो वेलोसिटी आपको 110 किलोमीटर पर आवर दे रखी है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5 बाई एट्टीन से मल्टीप्लाई करके तो थर्टी 30 30.55 हो जाएगा ई सुपर एलिवेशन 8% एफ आपका 0.10 तो आपको ये मानली रिलेशन क्या होता था कि ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आरजी वी स्क्वायर अपॉन आरजी ये वैल्यू होती थी मीटर पर सेकंड में तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको वेलोसिटी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में ठीक है तो यहां से आपके पास आर क्या आ आ जाएगा जाएगा यहां से अपॉन बट इस फॉर्मूले के वे लिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट वन आपको पुट करनी पड़ेगी उससे बेहतर होता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमें देता है आर या प्लस एफ इजिक्वल्स टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन वन ट्वेंटी सेवन आर तो इसमें क्या होता है वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में हम जो कन्वर्ट करते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर ले रखा होता है फाइव बाई एटीन का और जी की वैल्यू भी नाइन पॉइंट एट वन यहाँ पर रखी होती है ठीक है तो अब यहाँ पर रखिएगा इस फॉर्मूले में जो वी होती है वो डायरेक्टली आप के एम पी एच में रखेंगे और आपका डायरेक्टली आर क्या है मीटर में तो एग्जाम में आपके दो चार सेकंड बच सकते हैं कैलकुलेशन करने में ठीक है तो आंसर आपका आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहां पर एट परसेंट है ना जीरो पॉइंट जीरो एट होगा दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक पॉइंट एट लिख दिया दिस इज जीरो पॉइंट जीरो एट दिस इज जीरो पॉइंट जीरो एट ठीक है प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक है, है चलिए अगला सवाल द वैल्यू ऑफ लिटल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन यूज इन डिजाइन ऑफ कर्व एज पर इंडियन रोड कांग्रेस इज गिवेन ठीक है तो आपको मालूम है जब कोई व्हीकिल कर्व पर जाता है तो इस पर बाहर की ओर क्या लगता है एक साइंटिफिकल फोर्स पी लगता है इज इजिकल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर जिससे रोकने के लिए अंदर की ओर क्या लगता है फ्रिक्शन फोर्स तो सबको मालूम है इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट वन फाइव और लॉन्गिट्यूडनल कितना लेते हैं जीरो पॉइंट थ्री फाइव से जीरो पॉइंट फोर सर शिफ्टिंग ऑफ कर्व समझ में नहीं आता तो जब बेटा क्वेश्चन आएगा उस पर तो उसको भी कर लेंगे ठीक है चलिए फिर आज इतना ही रोकते हैं आज क्लास थोड़ी आपकी देर से भी स्टार्ट हुई थी और थोड़ा सा शुरू में वो डेरिवेशन में भी टाइम लगा ठीक है या एक सेकंड में ऐसा करता हूं एक सेकंड एक क्वेश्चन और फटाफट -फट करवा देता हूं ठीक है ये क्वेश्चन इफ वी इज द इनिशियल स्पीड ऑफ अ व्हीकल जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कैपिटल जी इज द अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ द रोड एंड एफ आर इज द कोफिशंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रेकिंग द ब्रेकिंग डिस्टेंस मेजर्ड हॉरिजॉन्टली मेजर्ड हॉरिजॉन्टली फॉर द व्हीकल टू स्टॉप ठीक है तो ये डायरेक्टली वही जो फॉर्मूला हमने सबसे स्टार्टिंग में प्रूफ किया था तो इसको आप लिख लेंगे तो ऑप्शन तो ऑप्शन हो हो जाएगा जाएगा आपका इसका ठीक है तो वो जो डेरिवेशन किया गया था वही समझाने के लिए था कि हम लोग जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो अलोंग द प्लेन नहीं ले रहे हैं हम लोग एल कॉस्थिटा निकालने हैं और जो हॉर्जेंटल के अलोंग है जो कि हॉर्जेंटल के अलोंग है अगर हम कॉस्टा को नेग्लेक्ट कर दें फॉर स्मॉल स्लोप्स देन आपके पास वो अलोंग द प्लेन भी आ जाएगा ठीक है अलोंग दी प्लेन भी आ जाएगा ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं हम लोग ठीक है और इसमें ऐसे ही और क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो हाईवे का वेटेज अच्छा खासा रहता है तो कम से कम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ठीक है कल को सुपर एलिवेशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे ठीक है चलिए थैंक यू